श्री कृष्ण राधे राधे श्री हरिदास। मैं ना सभी भक्तों को ये बताना चाह रही हूँ, सभी के बहुत मतलब मैं वीडियोस नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ, तो आप ये समझ लो कि मैं कितना बिजी होंगी। मतलब इसी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। अभी भी सोचो रात का वक्त है और हम बिहारी जी के जन्मदिन के लिए उनका ये पीछे का पूरा ना बहुत सुंदर, मतलब हमारे लाला के लिए ये जो पीछे मुकुट होता है ना, मुकुट के पीछे लगाने के लिए, और ये पूरा बड़ा सा उनके लिए मोर से सजा हुआ पंख से ये बना रहे हैं, पंखा टाइप में ये सब। अब सोचिए इतना समय नहीं है और वो तैयार करना है जल्द से जल्द। ये सारी की सारी जो है सेवा हम इस बार दे रहे हैं हमारे प्यारे लाला को, हमारी तरफ से तो बहुत ज़्यादा खुशी हमको हो रही है। तो पोशाकें तैयार की हैं, तो आपके मतलब वैसे तो सभी के कुरियर्स पहुंच चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं ऑर्डर्स भी अभी नहीं ले रही हूँ, इसीलिए तो मैं लाला के बर्थडे के बाद मतलब ऑर्डर्स लूँगी। और मैंने सब बंद किया हुआ है, अरे चेन भी भैया ये अलग से हमको लेना पड़ता है लाला के लिए बैग, उनकी पोशाक भरने के लिए। और अभी मैं इसको दूसरा हाथ का इस्तेमाल करके खोलती हूँ और मैं आपको पोशाक के दर्शन कराती हूँ। दो पोशाकें हम जो है लाला को देंगे और राधा सनी बिहारी जी को, और साथ में हमने उनके लिए कारपेट भी लिए हैं, दो कारपेट्स हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ कि सारी सेवा जो है उनके जन्मदिन पे जो है पहुँचाई जाएगी, तो उसमें ले जाने में कैसे दिक्कत तो होगी थोड़ी, बट कोई बात नहीं, हम सब कर लेंगे। तो पर ये कि जो चीज़ मेन है उनके दर्शन तो मैं आप सबको करा ही सकती हूँ, है ना। और आपको याद होगी लीला कि लाला ने कहा था कि उसे सारी सेवा जो है हमसे ही चाहिए, तो मैं जितना कर सकती हूँ हम मतलब वो कर रहे हैं। ये पोशाक के दर्शन है, आप कीजिए, ये देखिए ये येलो और रेड कॉम्बिनेशन में जो है पोशाक को तैयार किया गया है लाला की, बहुत सुंदर पोशाक है। साथ में ना उनकी माला, मतलब मैं अभी सोच रही हूँ कि लाला जब पूरा श्रृंगार करके आपको दर्शन देगा तो ज़्यादा सुंदर लगेगा, बट हमने इनमें सब रखी हैं, मालाएं वगैरह भी हैं उनकी, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब तीन मैंने पूरा पैक नहीं किया है अभी, है ना। ये साथ में पटके अलग हैं और उसकी देखिए पग भी तैयार की गई है पूरे मुकुट के साथ, ये अलग सजेगी अभी, मतलब सज चुकी है वो ऑलरेडी। अब मैंने ना आधा रख दिया है, तो एक मिनट में दिखाई देती हूँ आपको। इनके साथ ना मोर पंख वगैरह भी हमने अलग से रेडी किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसने ना पता कटारी वगैरह भी ली है, बोल रहा है सब लिया, मैं सारा निकाल के आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये देखिए अभी ये सब ना और हमने अलग से लिए हैं, वो भी हम इस पे पैचेस हमने जोखे हुए हैं वो सब मैं दिखाऊंगी। उसकी कटारी भी है, तो उसने कहा है कि मेरी कटारी भी लगवानी है मैया, जैसे गोपाल ने किया था ना उसको सेम डिट्टो वैसे ही करना है सब कुछ, पता नहीं लगता तो लाला है ना जी। ये देखिए उसके बिंदी वगैरह भी मैंने अलग से ली है लाला के लिए। मैं इस बात से बेहद खुश हूँ कि इस बार मेरा प्यारा सा लाला, उसने जो ख्वाहिश की है और मैं उसको पूरी कर पाऊँ। मैंने कहा भी था कि मैं जितना कर पाऊंगी, तो धीरे धीरे मैंने बहुत सारी चीज़ें उसके लिए इकट्ठी कर ली हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है उसके जन्मदिन से पहले मैं मतलब पहले या कहूँ उसी दिन मतलब मैं उसको दे ही दूंगी, आपको वीडियो में डालूंगी, है ना। और अब ये समझ लो कि मैं बिजी क्यों हूँ। ये देखिए एक कारपेट ये भी है, ये कारपेट भी लाला की सेवा में जाएगा। ये देखिए ये भी एक कारपेट है, ये बड़ा वाला है, मैं पूरा नहीं खोलूंगी वरना मुझे तय करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। एक और कारपेट है मतलब वो ना लीला मैं क्या बताऊँ, थोड़ी पर्सनल लीला थी, लेकिन ये है कि ये सेवा जो है प्रभु के पास जाएगी, तो ये सब जो है लाला की खुशी के लिए मैं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है, आप लोग अंदाज़ा लगाइए। और ये लाला के मसन्स हैं और इन पे जो है कवर अभी चढ़ाने बाकी हैं, अभी रात में चढ़ाएंगे, ठीक है। उसके दोनों साइड के लिए इस कलर के ये मसल्स जो हैं ये रहेंगे, इसको चढ़ाएंगे हम इस पे कवर। और ये देखिए यही रेड कलर और थोड़ा सा ब्लैकिश टच में जो है ये कलर का थोड़ा इफेक्ट आ रहा है, ब्लैकिश कलर में ये पर्दे हैं, पर्दा है मतलब आगे फ्रंट का लाला के लिए। और अभी देखो वो बन ही रहा है पंखा, पता है करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप मतलब एक एक चीज़ मतलब जितना कर सकते हैं। और हम मैं मतलब हमने ना एक और पोशाक बनाई है लाला को, तो हम दो पोशाक जो है अर्पण कर रहे हैं, और एक पोशाक ये है पर्पल कलर में, अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। और ये लीजिए एक ये हमने
तैयार की है, बहुत ही सुंदर है ये जो है ना उसमें बनाई है, क्या बोलते हैं उसको, ये गोटा पट्टी जो होती है उसके साथ ये तैयार की है, बहुत सुंदर है। और मैंने ना इसी की मैचिंग की, लाला के लिए ना बड़ा वाला कारपेट एक और लिया है, मतलब मैचिंग में रहेगा कि लाला के बाहर मंदिर के वो जो ऊपर का हिस्सा होता है ना वहाँ पे वो कारपेट बिछेगा, बहुत सुंदर लगेगा। अरे मैं थक गई, इसको खोलते खोलते ही, बहुत बड़े वाले हैं ना, पूरा बड़ा वाला साइज़ है ये। और ये वाला जो है हमने इस कलर में लिया है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, थोड़ा सा कलर चेंज है, मतलब एक जैसा नहीं कहूँगी, मैचिंग इसलिए क्योंकि वो भी लाइट शेड में, ये भी लाइट शेड में, तो ये बहुत बहुत सुंदर लगेगा उसके साथ में। ये बड़ा है, मतलब बिग साइज़ है, पूरा पूरे उस पर आएगा ये तो। और साथ में ना इसके मैचिंग की अलग ज्वेलरी है, मैंने ना सारा ही खोल पटेल दिया है। और इसके साथ की ना मैंने अलग से ज्वेलरी ली है लाला के लिए, मतलब इसकी मैचिंग की, जिसमें गोल्डन के साथ में टच रहेगा थोड़ा सा। और उसका जो, इसमें मैंने ना उसकी पगड़ी नहीं बनाई क्योंकि समय नहीं मिल पाया, सच बोलूँ तो। अब इतना है कि मैंने कहा मैंने ये दोनों पोशाक लाला को दूंगी, अब उसकी मर्ज़ी है वो जब धारण करे, लेकिन वो मुझे मालूम है एक तो अपने जन्मदिन वाले दिन धारण करेगा ही, दोनों ही लाला मेरे हैं। और मैं क्या, मतलब मैं बता नहीं सकती हम लोग कितना खुश है, लेकिन ये कि समय नहीं मिल पा रहा है इस वजह से मैं कोई ऑर्डर नहीं ले रही हूँ प्यारे भक्तों। और अभी वो भी माला है, वो भी अभी मुझे ढूंढनी पड़ेगी भगवान। और यहाँ खुशी और ये जो दोनों लगी हैं ये देखें। धीरे बोलो।